Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel, friends. आज हम straw को use करके bracelet बनाएंगे. बहुत सुंदर bracelet हम straw से बनाएंगे. तो हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या सामान चाहिए. bracelet बनाने के लिए हमें straws चाहिए different colors के. ये देखिए, ये pink और baby येलो और वाइट एंड ब्लू हमने कलर लिए हैं. और साथ में हमें सीज़र चाहिए, दो पिन रिंग्स चाहिए होंगे कुछ इस तरीके के. ये देखिए फ्रेंड्स, दो रिंग्स चाहिए. टूथपिक की ज़रूरत पड़ेगी हमें, आयरन की ज़रूरत पड़ेगी और एल्युमिनियम फॉइल की ज़रूरत पड़ेगी. तो लेट्स स्टार्ट आर प्रोजेक्ट. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंट कलर्स के जो स्ट्रॉज हैं उनको अभी छोटा छोटा कट कर लेंगे. तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम दो दो स्ट्रॉज को पकड़ के सीज़र की मदद से इसे हम छोटा छोटा कट कर लेंगे. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमने लेने हैं. कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रॉज को छोटा छोटा कट कर लेना है और सभी कलर्स को हम इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमने सभी कलर्स को इसी तरीके से छोटा छोटा कट कर लेना है. तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रॉज को छोटा छोटा काट लिया है. डिफरेंट कलर्स के स्ट्रॉज लिए हैं और जिसको हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है. अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आयनिंग का है. तो हम चलते हैं प्रेस की तरफ. तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चादर बिछा दी है, उसके ऊपर हम न्यूज़पेपर रखेंगे और न्यूज़पेपर के ऊपर हम एल्युमिनियम फॉइल रखेंगे. ये हमारी एल्युमिनियम फॉइल है और इसके ऊपर हमें अरेंज करना है ये दोनों रिंग्स जो हमने लिए हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिंग्स लिए हैं इनको हमें दोनों साइड में रखना है. ये दोनों साइड पे रिंग्स रखने के बाद हमें यहाँ पर सेंटर में हमने जो कटिंग किया है स्ट्रॉज को, उसको अरेंज करना है. पहले एक साइड पे करेंगे और ये रिंग के ऊपर हमें थोड़ा ओवरलैप करना है स्ट्रॉज से, ताकि जब हम इसको गर्म करें तो ये इसके साथ जुड़ सके. तो थोड़ा सा हम रिंग को ओवरलैप करेंगे और थोड़ा हाफ पोर्शन खाली रखेंगे और थोड़ा पोर्शन के ऊपर स्ट्रॉज को ओवरलैप करेंगे. कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, ये हाफ रिंग हमारा खाली रहना चाहिए ताकि हम यहाँ पर थ्रेड डालकर कंप्लीट कर सकें ब्रेसलेट को. और इसको हमें जितने भी कटिंग्स हैं और उसको हमें अरेंज कर देना है सेंटर में. कुछ इस तरीके से मल्टी कलर्ड हमारा ब्रेसलेट रेडी होगा. ये थोड़ा और बड़ा बना लेंगे. तो फ्रेंड्स, हमने एक रिंग इधर एडजस्ट कर दिया है और सेकेंड वाला जो है हमें दूसरी साइड पे एडजस्ट करना है और इसको उसी तरीके से थोड़ा सा कटिंग से ओवरलैप करना है हमें, ताकि गर्म होने के बाद ये स्टिक हो सके. कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, ये इसको भी हम थोड़ा ओवरलैप कर देंगे. एकदम से नहीं ढकना, थोड़ा ओवरलैप ही करना है हमें.
इस तरीके से हमें कुछ सारे कटिंग्स को एडजस्ट कर देना है ब्रेसलेट की शेप में। इसको हम जैसे एडजस्ट करेंगे हमारा ब्रेसलेट उसी तरीके से रेडी होगा, इसीलिए इसमें जल्दी नहीं करनी और आराम से हमें एडजस्ट करना है और थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि एक बार चिपक गया तो उसके बाद हम इसे ठीक नहीं कर सकेंगे। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमने एडजस्ट कर दिया है दूसरे रिंग को भी। ये हमने दूसरे रिंग को भी ऐसे ही एडजस्ट कर दिया है। और ये एक ब्रेसलेट है, इसके अलावा अगर हमें फ्लावर्स बनाना हो तो हम फ्लावर्स की शेप में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये हमारा फ्लावर्स भी रेडी हो सकता है कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। ये हमारा इस तरीके से रख कर हम इसको एडजस्ट करेंगे फ्लावर्स के शेप में और ये हमारा गरम होकर फ्लावर्स की तरह सेटिंग हो जाएगी। ये हमने एक फ्लावर बनाया और ये है हमारा ब्रेसलेट सेट हुआ हुआ। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमें आयरनिंग का करना है। इसे बहुत ध्यान से हमें फोल्ड करना है इसके ऊपर और ये थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए। और इसके बाद हम इसको पेपर को इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल ये ध्यान से इसको करना है, बिल्कुल हमारा नीचे की एडजस्टमेंट हिलनी नहीं चाहिए। और उसके बाद हम गरम प्रेस लेंगे और इनके ऊपर धीरे धीरे रखेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। हमें रखते जाना है और हल्का हल्का प्रेस करके हमें आयरनिंग करनी है। बहुत जल्दी तेज़ी से हमें आगे पीछे नहीं करना, धीरे धीरे करके हमें आगे पीछे करना है इसको, ताकि हमारे जो कटिंग्स हैं वो अच्छे से आपस में जुड़ जाए और हमारा ब्रेसलेट रेडी हो सके। और साथ में हमने जो फ्लावर एडजस्ट किया है उसका भी हम आपको रिजल्ट बताएंगे। ये थोड़ा टाइम तक हमें इस तरीके से आगे पीछे करके करते जाना है और जब ये सफिशिएंट गर्म हो जाए और तो हमने इसको बंद कर देना है। ये सफिशिएंट गर्म हो गया है तो अभी हम प्रेस को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि अगर हम अभी खोल देंगे तो ये चिपका होगा। अगर हम एक दो मिनट इसको वेट करके खोलेंगे तो ये इजीली निकल सकेगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा जो है नीचे जो भी हमने ब्रेसलेट के लिए कटिंग्स रखी हैं वो तैयार हुई कि नहीं? जब हम सफिशिएंटली इसको अच्छे से गर्म कर देंगे तब आपको ये उठाकर देखना है पेपर और फॉइल को हल्का सा ऊपर करके देखेंगे। अगर तो ये हमारा प्लास्टिक चिपका होगा तो हमारा प्रोडक्ट रेडी है, लेकिन अगर ये इजीली ऊपर आ जाता है और उसको बराबर हीट नहीं मिली तो आपको दोबारा आयरनिंग करनी है।
तो ये मेथड है इसको चेक करने का। तो अभी हम हमारा ब्रेसलेट रेडी है, क्योंकि ये देखिए ये अच्छे से चिपक गया है, और इसको हम 1 से 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद ये इजीली निकल जाएगा। और क्योंकि अभी अगर हम गर्म में निकालेंगे तो ये चिपका होगा, ये देखिए ये अभी धीरे जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये अपने आप ये छोड़ देगा एल्युमिनियम फॉयल को, और हमारा ये ब्रेसलेट रेडी हो जाएगा। ये देखते हैं, तो ये देखिए ये हमारा ब्रेसलेट जो है वो रेडी है। अभी गर्म है, इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम कटिंग करके इसको फिनिश करेंगे। और ये जो हमारा फ्लावर भी रेडी है, जिस हिसाब से हमने अरेंज किया था वैसे ही हमारा फ्लावर भी बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम किसी भी पिन के साथ या हेयर पिन के साथ कैसे भी इस तरीके से हम बनाकर फ्लावर्स उसको अरेंज कर सकते हैं ज्वेलरी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेसलेट जो है वो रेडी हो गया है। अभी हम इसको फिनिश करेंगे, दोनों साइड से कटिंग करके स्मूथ कर देंगे, और पीछे हमारे रिंग्स जो हैं वो भी अटैच हो गए हैं, लेकिन इसको सिक्योर करने के लिए कि अच्छे से चिपके रहें, हम ग्लू गन से इसके ऊपर अच्छे से गम भी लगा देंगे ताकि ये पक्का हो जाए। इस साइड पे भी लगाएंगे। और फिर इसकी कटिंग हम करेंगे इसके बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जो अनइवन पोर्शन है वो हम कट करके निकाल देंगे। दूसरी साइड से भी हम हल्का सा राउंड करते हुए स्मूथ कर देंगे। यहाँ से हल्की सी राउंडनेस दे देंगे, इधर से भी। ये हमारा ब्रेसलेट जो है वो बहुत सुंदर रेडी हो गया है। अभी हम इन दोनों रिंग्स में से रिबन डालकर इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्रेसलेट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छा ब्रेसलेट बना है, मल्टी कलर्ड का है, स्मूथ कलर्स हैं। तो अभी हम नेक्स्ट इसके बैक पर रिबन लगाएंगे। ये रिबन कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। ये हमने दोनों तरफ जो रिंग्स लगाए हैं इसमें से हम रिबन को निकालेंगे, एक तरफ से निकालेंगे और दूसरी तरफ लेके आएंगे। दूसरे रिंग में से हम पास करेंगे और दोनों का देख लेंगे कि इक्वल डिस्टेंस है। ये देखिए, ये दोनों अच्छे से जब पास कर देंगे दोनों रिंग में से, तो फ्रेंड्स हमें इस यहाँ पर ग्लू से रिबन को फिक्स कर देना है। यहाँ पर हम ग्लू लगाकर रिबन को फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारी हॉट ग्लू है, हल्की हल्की हॉट ग्लू से हम रिबन को बैक साइड पे अटैच कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से,
बैक साइड पे हमें ग्लू से फिक्स कर देना है, और जब ये सूख जाए तो इस ये हमारा ब्रेसलेट कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। यहाँ पर बैक साइड पे हम यहाँ पर नॉट लगाकर पहन सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा सूख जाए तो मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेसलेट कुछ इस तरीके से तैयार होगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा पहनकर। तो आपने देखा होगा स्ट्रॉज से भी कितना अच्छा ब्रेसलेट या और भी फ्लावर्स और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा और आप ज़रूर ये ट्राई करोगे।